लगातार तीन दिन हुई भारी बारिश के बाद देश के कई हिस्सों में भीषण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिल्कुल, नैनीताल की बात करें यहाँ पर तो एक जीप पानी में समा गई। कैसे बह गई जीप दिखाते हैं विजुअल्स आपको। इन दिनों आधा हिंदुस्तान मौसम की मार झेल रहा है। तेज बारिश के बाद अब सड़कों पर बादलों का कहर देखने को मिल रहा है। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। बाढ़ बारिश से आधा हिंदुस्तान जूझ रहा है। जल प्रलय का जलजला कहर बरसा रहा है। जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राही त्राही कर रही है। आसमान से बरसती आफत मानो ये कहना चाह रही है कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती है। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो क्या होता है, इसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। जहां एक जीप पानी में बह गई, तस्वीरें नैनीताल के पास जिम कॉर्बेट की हैं, जहां एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल टला। दरअसल बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, नदियों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इसी दौरान जिम कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों को घुमा रही एक जीप पानी के बीच से गुजरने की कोशिश करती है और बीच पानी में आकर फंस जाती है। बस फिर क्या था, तेज बहाव के कारण जीप नदी में बह गई। गनीमत रही कि समय रहते ही पर्यटक जीप से उतर गए थे और बड़ा हादसा होने से टल गया। तो उत्तराखंड में बरसात के बाद पहाड़ कमजोर होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बिल्डिंग के गिरने का एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बिल्डिंग एक झटके में खाई में गिर गई। कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कीचड़नुमा मिट्टी से जुड़ी हुई ये बिल्डिंग धीरे धीरे खाई की ओर झुकती गई, फिर 3 से 4 सेकंड के अंदर ही नीचे चली गई। यह वीडियो उत्तराखंड के चंपावत का है, जहां सड़क के किनारे पहाड़ के ढलान के बिल्कुल नजदीक बनी ये बिल्डिंग नीचे गिरी है। बारिश की वजह से आसपास की मिट्टी कमजोर हो गई थी। ये मिट्टी इस 2 मंजिला की बिल्डिंग का भार नहीं सह सकी और एकाएक खाई में चली गई। उत्तराखंड में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड आम बात हो गई है। पहाड़ों के दरकने की तस्वीरें इस बारिश के सीजन में कई बार देखने को मिली हैं। अब उन घटनाओं की लिस्ट में चंपावत की ये बिल्डिंग भी जुड़ गई है। वहीं मध्य प्रदेश के कई शहरों में कुदरत का कहर लगातार बरस रहा है। कई जगह पर मंदिर तक ने जल समाधि ले ली है। खरगोन और अशोकनगर इलाके ऐसे हैं जहां पर हालात बहुत ही खराब हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन की हैं, जहां लगातार बारिश के बाद से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नर्मदा नदी के घाट पर बने मंदिरों ने जल समाधि ले ली है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से ओमकारेश्वर और भारगी बांध से लगातार नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदी उफान पर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी के तेज बहाव में अगर आपने जरा सी भी गलती की तो वो गलती आपकी जान पर भी बना सकती है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के अशोकनगर की है, जहां भारी बारिश के बाद सिंध नदी उफान पर चल रही है। नदी का पानी पुल के ऊपर तेजी से बह रहा है। 2 बाइक सवार इसे पार करने की कोशिश करते हैं और बाइक पानी में बहने लगती है। दोनों बाइकों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी के सामने इनकी एक भी नहीं चली और दोनों नदी में बह गए। गनीमत रही कि बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों को बचा लिया। अगली खबर राजस्थान से, जहां पर बाढ़ बरसात की वजह से सड़कें नदियां जो हैं पूरी तरह से उसमें डूबी नजर आ रही हैं सड़कें। वहीं कई गांवों की अगर बात करें तो बाढ़ की वजह से टापों में ये तब्दील हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ बारिश के बाद न सिर्फ सड़कों पर सैलाब बह रहा है बल्कि कई गांव पानी में डूब गए हैं। हर तरफ बस बाढ़ का पानी ही नजर आ रहा है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये पूरा इलाका समंदर के बीच किसी टापू पर बसा हो। बाढ़ के पानी में बच्चे मौज मस्ती कर सकते हैं, लेकिन सैलाब की ये तस्वीरें उतनी ही खौफनाक भी हैं। सवाई माधोपुर में लगातार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक अंतिम संस्कार के लिए बाढ़ के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। तस्वीरों को देखकर लोगों की परेशानी को समझा जा सकता है। सब यात्रा निकालने में हो रही परेशानी।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आपको बता दें गंगा यमुना पूरे उफान पर है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बिल्कुल दर्जनों इलाके बाढ़ की जद में आ गए हैं। आलम यह हो गया है कि लोगों की कमर तक पानी भर गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जैसे सैलाब आ गया है। गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दर्जनों गांव और इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग कमर तक पानी में आने जाने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज के बद्रा सनौटी गांव की हैं। यहां संपर्क मार्ग पर पानी भरा है, जिसके चलते ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जिस जगह पर आम दिनों में गाड़ियां फर्राटा भर रही थी, वो रास्ता बाढ़ में तब्दील हो चुका है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। बाढ़ ने गंगा और यमुना के तटवर्ती इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ज़ी न्यूज़।